जब हम शूटिंग कर रहे थे रंग दे बसंती, हालांकि शूटिंग हमने आगरा में नहीं की थी, लेकिन उस दौरान कुछ दिन हमें फ्री थे, तो हम लोग सब पूरी टीम यहाँ आगरा हम आए थे, ताजमहल देखा था, और बड़ा ही शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा दूसरा मौका है, लेकिन ये भी बड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इत्मीनान से कभी आ सकूँ। सर आप हमें समय बता दीजिए, उसी हिसाब से हम लोग कितना समय आप हमें दे पाएंगे। सर आप जैसे एक अब आमिर खान दी एक्टर के अलावा एक आमिर खान एक एक्टिविस्ट है। मैं ये चीज़ें अलहदा नहीं मानता हूँ, जो मेरा फिल्म का काम है या जो मैं शो कर रहा हूँ वो मेरे लिए एक ही है, और मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत कुछ मिला। अगर आप इकोनॉमिक सेंस में देखें, स्ट्रिक्टली पैसों की बात करें, तो वो अलग बात है, लेकिन वो अगर आप छोड़ दें एक तरफ रख दें, तो आई फील दैट एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव अर्नड अ लॉट। क्या कभी आपके मन में सर एक ये इच्छा नहीं आई कि आप उस पोजीशन में हो जब आप खुद एक एम्पावर्ड हो? मेरा सीधा प्रश्न ये है सर कि क्या कभी यू आर एन एनलाइटेंड सिटीजन, तो क्या कभी एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन, बिकॉज सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि उस माध्यम से यू विल बी एबल टू डू बेटर, यू विल बी एबल टू डू मोर? नो, आई हैव नो सच डिजायर्स। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल नहीं आना है, और उसकी वजह यह है कि मैं जहाँ हूँ, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, आपका उस क्षेत्र में खुश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रैंचो ने कहा, यू टू बी हैप्पी इन व्हाट यू डू। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग, इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन दिस वर्ल्ड ऑफ इमोशंस, इन टचिंग पीपल्स हार्ट्स, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, एंड आई बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस आई कैन ब्रिंग अबाउट। जैसे मैं आप पहले कह रहा था कि देयर आर टू वेज ऑफ अप्रोचिंग सोशल इश्यूज, वन फ्रॉम द टॉप एंड वन फ्रॉम अंडरनीथ। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट फ्रॉम अंडरनीथ। I'm saying to bring about, to contribute to society, you don't have to get into politics. I agree, sir, but to contribute to society, I can contribute much more from where I am. Okay. Film industry में सर आप 25-26 साल में क्या बदलाव देखते हैं सर? स्टार कल्चर में, फिल्म मेकिंग से, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन तक, छोटी फिल्में जो हैं उनको भी एक जगह मिले, उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन मिले, उनको भी अपनी फिल्में दिखाने का मौका मिले। जब हिंदुस्तान में वो नहीं है, हिंदुस्तान में वो सेम थिएटर्स में आप हर किस्म की फिल्म देख रहे हैं, तो तब मुश्किल हो जाता है छोटी फिल्मों के लिए, और ये बात सही है। मेरा मानना है कि ज़रूरत है हिंदुस्तान में एक ऑल्टरनेट सिनेमा के चेन की भी, जो अलग अलग किस्म की फिल्में दिखाए, और मेरा ये मानना है कि वो ऑडियंस चाहे इतनी बड़ी ना हो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा की ऑडियंस है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, और वो ऐसी फिल्में देखना चाहेगी, वो दे वुड लाइक टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा एंड एंजॉय दिस काइंड ऑफ सिनेमा। तो अगर एक ऑल्टरनेट सिनेमा का एक चेन बनता है हिंदुस्तान में, तो वो भी कामयाब होगा, उसमें भी पैसे कमाने का मौका है।